हेलो फ्रेंड्स, माय चैनल क्रिएटर प्रिया विद लव, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 17 के बारे में। जो ऑर्डर 17 है वो रिलेटेड है एडजॉर्मेंट यानी कि स्थगन से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एडजॉर्मेंट का प्रोविजन है वो क्यों किया गया, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। फ्रेंड्स, जो एडजॉर्मेंट का प्रोविज़न है वो बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है, लेकिन इसका जो कई टाइम है मिसयूज भी किया जाता है पार्टीज के द्वारा, और इसके कारण कई बार जो डिले होती है केस की वो एडजॉर्मेंट के कारण होती है। जो कोर्टें हैं वो डेट पे डेट दे देती हैं कई बार, तो उस चक्कर में जो केस है वो डिले हो जाता है, उसकी प्रोसीडिंग्स हैं वो डिले हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसके बेनिफिट्स देखे जाएँ तो जो एडजॉर्मेंट है उसको बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोर्ट में केस दाखिल किया, उसकी हेयरिंग डेट्स पड़ी, लेकिन किस कारण से यानी कुछ ऐसे कारण आ गए कि आपको उस डेट पर जो केस की डेट है उस डेट पे आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, या किसी ऐसी परिस्थिति में बाहर जाना पड़ गया जो जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस केस में आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं वकील के थ्रू कि जो प्रोसीडिंग्स है वो आगे के लिए फॉरवर्ड कर दी जाए और हमें जो एडजॉर्नमेंट दे दी जाए उस डेट से नेक्स्ट डेट दे दी जाए। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम डिफेंडेंट की तरफ से सोचते हैं तो हम कहते हैं जो कोर्ट है वो टाइम वेस्ट कर रही है, जो डिफेंडेंट है वो लॉ का मिसयूज कर रहा है। लेकिन जब हमारे पे अपने पे आती है जिसने केस दाखिल किया है, तो बंदा कहता है नहीं, मुझे तो ज़रूरी है, कोर्ट को ये दे देनी चाहिए, जो डेट है वो दे देनी चाहिए। तो जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी की डेथ पे या किसी अदर बंदे के किसी कारण से बाहर जाते हैं केस में, और कोर्ट कहता है नहीं, मैं तो एडजॉर्मेंट दूंगा नहीं, कि जब आपकी बारी आती है तो आप कहते हो एडजॉर्मेंट दे दो, जब दूसरे पक्षकार की दूसरी पार्टी की बारी आती है तो आप कहते हो ये मिसयूज है, यानी कि आप मिसयूज कर रहे हैं कोर्ट की जो लॉ है उसका मिसयूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रोविज़न ना दिया जाता तो कई बार इनजस्टिस हो जाता है पार्टीज के साथ। तो ये प्रोविज़न बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मिसयूज ना किया जाए, और कोर्ट को भी देखना चाहिए कि किस किस सरकमस्टांसेस में, किन किन परिस्थितियों में जो डेट है, जो एडजॉर्मेंट है वो दी जानी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं एडजॉर्मेंट की। एडजॉर्मेंट क्या प्रोविज़न जो सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है उसमें क्या बताया गया है। ऑर्डर 17 एडजॉर्मेंट का रूल वन कहता है कोर्ट में ग्रांट टाइम एंड एडजॉर हियरिंग न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। न्यायालय बात के किसी भी प्रक्रम में एनी स्टेट ऑफ द सूट, अगर जो पार्टीज है वे सफिशियंट कॉज दिखाते हैं तो उस केस में वह पक्षकारों को पार्टीज को टाइम दे सकेगा और जो हेयरिंग्स है उसको आगे के लिए फॉरवर्ड करके उस केस में एडजॉर्मेंट दे सकेगा, यानी कि जो केस है उसको स्थगित करके नेक्स्ट डेट दे सकेगा। परंतु अगर बार बार इस तरीके से एडजॉर्मेंट दी जाती है केस में तो जो केस है वो डिले हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये प्रोविज़न बनाया गया है प्रोवाइडेड दैट परंतु जो कोर्ट है वह किसी भी प्रोसीडिंग्स में यानी कि केस में पूरे केस में 3 टाइम्स से ज़्यादा की डेट नहीं देगी, यानी 3 बार ही डेट दे सकती है पार्टीज को। तो इसका सब रूल टू कहता है कॉस्ट ऑफ एडजॉर्मेंट, जो स्थगन है उसके खर्चे। जो कोर्ट है न्यायालय है वह जो केस है उसमें आगे की सुनवाई के लिए समय दे सकेगा, लेकिन अगर वह एडजॉर्मेंट देता है तो उसके कारण जो एडजॉर्मेंट है उसके कारण जो खर्चे हैं वह पार्टीज को पे करने पड़ेंगे, और उस या अगर कुछ ज़्यादा खर्चे हो गए या हाइयर कॉस्ट वह भी पार्टीज को कहते हैं पे करनी पड़ेगी, ये ऑर्डर कर सकता है कोर्ट। परंतु कुछ केसों में अगर सुनवाई जो है स्टार्ट हो चुकी है और विटनेस की परीक्षा एग्जामिनेशन होनी है तो वह डे बाई डे चलेगी,
अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें जो पार्टी है वो कहती है कि हमें एडजॉइनमेंट चाहिए, तो बहुत ही कम यानी कि कोर्ट इस परिस्थितियों में जो एडजॉइनमेंट है वो देती है। इसका जो सेकंड है वो कहता है कि जो कोर्ट है वह पार्टीज के अनुरोध पे, रिक्वेस्ट पे, पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि हमें एडजॉर्नमेंट दे दी जाए, तो वह इस तरीके से एडजॉर्नमेंट नहीं देगी जब तक कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो पार्टीज के हाथ में नहीं है। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं तो जो कोर्ट है वह जो एडजॉर्नमेंट है वो नहीं देगी। थर्ड है कि जो पार्टीज है उस पे जे यानी कि एडजॉर्नमेंट का ये बेस नहीं माना जाएगा, ये फैक्ट नहीं लगेगा कि जो मेरा वकील है वह दूसरे न्यायालय में व्यस्त है, यानी कि जो एडवोकेट है या प्लीडर है वह किसी अदर कोर्ट में वह एंगेज है, तो उस केस में जो कोर्ट है वह एडजॉर्नमेंट नहीं देगी। फोर्थ है कि जो न्यायालय है वह हेयरिंग जो एडजॉर्नमेंट है वो तब तक नहीं देगी जब तक कि वह यह पार्टी यह साबित नहीं कर देती कि जो समय दिया गया था उस दिन वह जो एडवोकेट को दूसरे एडवोकेट को नहीं ला सकती थी कोर्ट में उस केस को हैंडल करने के लिए, तो या उसका वकील है वह बीमार है, इल है, या वह किसी बहुत ही ज़्यादा जरूरी केसों में व्यस्त है, तो यह जो प्रॉपर आधार नहीं माना जाएगा एडजॉर्नमेंट का कुछ परिस्थितियों को छोड़ के। तो ये फोर्थ है जहाँ कोई जो विटनेस है वह न्यायालय में उपस्थित हो गया है और जो पार्टीज के प्लीडर है या एडवोकेट है वह केस में उपस्थित नहीं हुआ है, तो उस केस में जो कोर्ट है वह उस केस को जो विटनेस आया है कोर्ट में उसको अब खुद ही एग्जामिन करके उसे चीफ एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा से और पति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन से मुक्त कर देगी और आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए फॉरवर्ड कर देगी केस को। ये कहता है सब रूल टू के परंतु यानी कि प्रोविडेड। अब हम आते हैं रूल टू। रूल टू कहता है यदि पक्षकार नियत दिन पर अपीयर नहीं होता है जो सुनवाई के लिए दिया गया है तो उस केस में क्या होगा। यदि जो पार्टी है या उसका प्लीडर है वह जो समय दिया गया है उस दिन कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो उस केस में जो है न्यायालय है वो ऑर्डर नाइन में पक्षकारों के कोर्ट में पेश होने ना होने की वजह से जो कोर्ट है वो केस को डिसमिस कर देती है, तो इसमें भी वह यह कर सकती है। ये कहता है रूल टू। रूल थ्री क्या कहता है। रूल थ्री कहता है कि पार्टी अगर एविडेंस साक्ष्य को पेश करने में या विटनेस को पेश करने में असफल रहती है तो उस केस में जो कोर्ट है वह कहते हैं उस केस को डिसमिस कर सकती है या आगे के लिए यानी कि जो सुनवाई रहेगा या डॉक्यूमेंट्स एक एक पक्षकार का कहते हैं एविडेंस सुन के उसको लिख के वह आगे की प्रोसीडिंग्स है वो चालू कर सकती है। तो ये कहता है रूल 3।